तो दोस्तों, क्या हो अगर हम जो क्रैश बैरियर्स लगाते हैं स्टील के हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवे में, उनके जगह पर हम बांबू के क्रैश बैरियर्स को लगाना स्टार्ट कर दें? अब डेफिनेटली इस बात पर जल्दी कोई एग्री नहीं करेगा, लेकिन फाइनली गडकरी जी की टीम ने ये काम कर दिखाया है। वैसे तो काफी लंबे समय से ये स्टील और सीमेंट के कार्टेल की वजह से परेशान थे, और फाइनली एक काफी बड़े सिग्निफिकेंट पुश में बांबू सेक्टर को एक काफी बड़ी जीत मिल चुकी है। दरअसल NHAI ने फाइनली काफी सक्सेसफुली क्रैश बैरियर लगा दिया है जो कि बांबू से बना हुआ है इन वानी वरोरा हाईवे इन महाराष्ट्र। और ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट है, बिकॉज पूरे दुनिया में आपको कहीं पर भी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बांबू क्रैश बैरियर, जिसे बाहुबली कहा जा रहा है, अब वो भारत में एग्जिस्ट करता है। ये सुनने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में होगा कि ये कितना ज्यादा सेफ है, इसमें स्ट्रेंथ होगी भी कि नहीं होगी कम्पेयर टू स्टील। मैं आपको बता दूं, इसकी बहुत ज्यादा रिगरस इंटेंस टेस्टिंग की गई थी, और वो भी एट वेरियस गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमारा नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक नेट्रेक्स जो पीथमपुरा में है इन इंदौर, और यहाँ पर तो क्लास 1 रेट किया गया ड्यूरिंग फायर रेटिंग टेस्ट जो कि CBRI दैट मीन्स सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रुड़की, इन्होंने कंडक्ट किया था, तब ये देखा गया। एडिशनली इंडियन रोड कांग्रेस ने भी इसे एक्रेडिटेशन दे दी है। यहाँ पर रिसाइकलिंग वैल्यू की बात करें तो इसमें भी बांबू ने बाजी मार दी है। 50-70% बांबू बैरियर्स को हम रिसाइकल वैल्यू मिलता है, लेकिन वही स्टील बैरियर्स में 30-50% ही है ये बस। नाउ इस स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक स्पीशीज का बांबू यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बांबूसा बालकोवा। इसको पूरी तरह से वेदर और बाकी की चीजों से रेजिलिएंट बनाने के लिए ऑयल की कोटिंग लगाई जाती है, और साथ ही में एक कोट लगाया जाता है ऑफ रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। अभी स्टील की तुलना में करें तो स्टील बेसिकली जाना जाता है फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, जो कि काफी पॉपुलर मटेरियल इसे बना देता है फॉर क्रैश बैरियर्स। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बांबू को देखें तो इसकी खास बात है इसकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, और इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हाई फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलिएंट मिल जाता है। साथ ही में बांबू बैरियर्स में देखा गया कि ये एनर्जी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और साथ ही में डिफ्लेक्ट भी कर देता है अवे फ्रॉम द व्हीकल, जिसके चलते रोड इंजरी और डैमेज भी रिड्यूस हो रहा है। और डिफरेंट रोड कंडीशंस को ध्यान रखते हुए हम इसे काफी इजीली कस्टमाइज मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओवरऑल डेफिनेटली स्टील और बांबू दोनों ही अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, लेकिन अगर हम बाकी के फैक्टर्स देखें जैसे कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट और सेफ्टी रिक्वायरमेंट, कुछ मामलों में एक दो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बांबू एक काफी बेस्ट अल्टरनेटिव के रूप में अभी फिलहाल निकल कर आया है। इनफैक्ट इसके मास अडॉप्शन के बाद इन हाईवे सेक्टर रेलवे को भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करनी चाहिए, सो दैट जो कैटल की समस्या है एटलीस्ट उससे हमें छुटकारा मिल सके। सो भारत के इस अनोखी इनोवेशन के लिए तो डेफिनेटली कमेंट्स में जय हिंद लिखेगा, और साथ ही में अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले भारत की ये नई ताकत के बारे में।